Hey guys, welcome back to my channel and I hope you all are fit and fine. अभी मैं एकदम रेडी हो गई हूँ, यू कैन सी. और अब हम जा रहे हैं बाहर कुछ ब्रंच करने, क्योंकि ये लंच का टाइम है. तो देखते हैं क्या खाते हैं. और मौसम, बारिश हो रही थी, रात से बारिश हो रही थी बहुत तेज, पर हाँ अब मौसम ठीक है. ठीक इन द सेंस की धूप निकल आई है, तो देखते हैं. लेट्स गो. आज धूप है फिर से. हमको पक्का पता है कि बारिश होगी, आज भी बारिश हो जाएगी भीगेंगे कब की तरह. फटाफट से चलते हैं. अभी मैं बस ऊपर से नीचे ही आई हूँ और धूप थी जबकि, और अब देखिए मौसम कैसा हो गया है. बादल बादल सारे नीचे आ गए और यही रास्ता है इस साइड से. हम लोग मैकलॉडगंज जाते हैं, मतलब आते हैं, क्योंकि वन वे है और हमको अगर जाना है तो उस साइड से जाना पड़ता. अब मैं निकल चुकी हूँ और ये हम फिर से वही रास्ते पे हैं जो मैकलॉडगंज की तरफ जाता है. और आप देख सकते हैं मौसम. गाइस मैं आ चुकी हूँ मैकलॉडगंज और यहाँ पे देखिए स्टोर्स खुल चुके हैं और बारिश का मौसम भी बन रहा है बहुत ज़्यादा. तो अब सबसे पहले मैं जा रही हूँ कुछ खाने, क्योंकि बहुत भूख लग रही है. 11:30 बज रहा है और कुछ खाया नहीं है सुबह से. भाई छोटी छोटी सी पतली पतली सी रोड्स हैं यहाँ पे, आप पैदल ही वॉक करो वो ज़्यादा बेटर है, रैदर देन कि आप कुछ इससे आओ कार एंड बाइक से, क्योंकि पार्किंग का भी स्पेस मिलना बहुत मुश्किल है. लोगों ने देखिए ऐसे कहीं भी ऐसे पार्क करके रखा हुआ है. यहाँ पे बहुत जल्दी उठा के भी ले जाते हैं, चलान वलान कर देते हैं, स्ट्रिक्ट है जो कि अच्छी बात है. तो अभी मैं देख रही हूँ कहाँ जाऊँ यार, कौन से कैफ़े वैफे में कॉफ़ी वॉफ़ी पिए तो अच्छा लगेगा. यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होने लगी थी एकदम से, तो मुझे एक शॉप दिखी है तो मैं यहीं पे अभी रुक गई हूँ कुछ चाय वाय पीने. तो चाय वाय पी लेते हैं और मैंने ब्रेड टोस्ट ऑर्डर करा है चाय के साथ, तो वो खाएंगे फिर आगे कहीं जाएंगे, क्योंकि बारिश बाहर फिर से शुरू हो गई है और हम भीग जाते पूरा. अब आज मेरा बिल्कुल भीगने का मन नहीं है, इतना अच्छा नहीं लग रहा भाई बारिश का. कभी कभी ठीक है या तो भाई रेनकोट हो, अगर होगा तो रेनकोट भी ले लेंगे अगर ज़्यादा बारिश होती है, क्योंकि घूमना भी तो है. सो प्राइस यही है अभी तो, और आई एम वेटिंग फॉर माई ऑर्डर. यहाँ पे आ चुकी है मेरी चाय और टोस्ट, कि बारिश अब बंद हो गई है. अब देख रहे हैं अभी शॉप्स भी नहीं खुली है बारिश के मारे. जब बारिश होती है ना तो ज़्यादा शॉप्स वॉप नहीं खुलती हैं यहाँ पे. तो मैं खाती हूँ फिर मिलती हूँ आपसे. और मैंने अपना नाश्ता कर लिया है, वही चाय और टोस्ट, क्योंकि मुझे आज बिल्कुल भी ज़्यादा खाने का मन नहीं है, बिल्कुल भी नहीं सुबह सुबह. और वैसे भी आज पता नहीं क्यों अजीब सा है, मन नहीं हो रहा मेरा. और बारिश देखिए फिर से स्टार्ट हो गई है. और अब मैं जा रही हूँ, क्योंकि आज का मेरा प्लान है कि जाएंगे धर्मकोट जो है मैकलॉडगंज की और ऊपर. तो लेट्स गो. देखिए आप हवा भी चल रही है धीरे धीरे सी, तो चलते हैं धर्मकोट. और बाकी देखिए अब थोड़ी थोड़ी शॉप्स ओपन होने लगी हैं, सो लेट्स गो. अब अच्छा, आज का मौसम अच्छा लग रहा है कल से, बस बारिश ना हो, वो वाली जो तेज़ वाली एकदम से हो जाती है ना तो रुकना पड़ जाता है, फिर टाइम लगता है. सो लेट्स गो. अब बोला ना अच्छा सही है भाई, लेना पड़ा क्योंकि बारिश हो रही है और पता नहीं कब तक बारिश होती रहेगी. तो हमको लगता है कि पता है धर्मकोट पहुंचने पे भी वहां पे भी बारिश हो रही होगी, क्योंकि जब यहां पे हो रही है तो वहां पे तो ऑब्वियसली हो रही होगी. तो पहले चलते हैं फिर देखते हैं, ठीक है. बारिश में मज़ा तो आ रही है, अब मज़ा आ रही है रेनकोट है ना मेरे पास, इसलिए. लेट्स गो टू धर्मकोट. ये हमारी बारिश हो रही है. मैं पहुंच चुकी हूँ धर्मकोट, स्टार्ट हो जाता है धर्मकोट. अभी मैं नीचे जा रही हूँ. Thank you.
बोला कि जो धर्मकोट है, क्योंकि मैं तो मतलब बहुत ही फर्स्ट टाइम आई हूँ यहाँ पे, तो अब मुझे पता चला ये बहुत ही छोटी सी जगह है जहाँ पे आपको खूब सारे कैफ़ेज़, बहुत ही अलग अलग वैरायटी के कैफ़ेज़ और मेडिटेशन, योगा, प्रेयर सेंटर्स जो हैं यहाँ पे वो खूब सारे हैं, मतलब भर भर के। तो भाई एक बहुत ही अच्छी और खूबसूरत सी जगह है, छोटी सी, और यहाँ पे एक बहुत ही प्यारा सा ऐसा मार्केट है जो आप आगे वॉक करते जाओगे और आप देखते जाओगे अलग अलग तरीके की चीज़ें। जैसे कि यहाँ पे ज़्यादातर सब फॉरेनर्स हैं तो आके रुकते हैं, मेडिटेट करते हैं, मतलब दो दो तीन तीन महीने, हो सकता है 6 महीने तक भी रुकते हों। तो कल्चर भी थोड़ा उसी टाइप का है यहाँ पे। पर अभी मैं सोच रही हूँ एक कैफ़े जाती हूँ और देखती हूँ यहाँ की मार्केट थोड़ी कैसी है, तो अगर कुछ पसंद आता है तो मैं ज़रूर लूँगी। सो लेट्स गो। बाकी देखिए मौसम तो वैसे ही है, हल्की हल्की बारिश। अभी मैं एक शॉप पे आई हूँ और मुझे कुछ ऐसे वाले कुर्तीज़ अच्छे लग रहे हैं, तो मैंने एक ये पसंद करा है। देखिए ये वाला कलर, और मैं भी आपको दो और दिखाती हूँ। हमारे पास तीन तीन दिन तक फोन एक ये है और एक ये है, तो तीन तीन दिन, लेकिन हमारा खेड का है ना, लाइफ टाइम मिले आ रहा नहीं फोन उनका, बिजी है वो, बिजी है खुद, मैंने कॉल किया वापस। तो ये अच्छा लग रहा है, भी देखती हूँ बाकी। उनको बोलो खाना खा लेना, बहुत प्यारे प्यारे से यहाँ पे टॉप्स और आपको ऐसे पैंट्स स्कर्ट्स मिल जाएंगे। मैं भी देखती हूँ इसमें से डिसाइड करती हूँ। दिस इज द शॉप जहाँ से मैंने अपने लिए ये सब लिया है, तो आप भी आइएगा तो आप विजिट करिएगा, यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे कलेक्शंस हैं। तो अब मैं नीचे जा रही हूँ फिर से और देखते हैं और कुछ क्या क्या है। अभी मैं आई हूँ यहाँ पे मून लाइट कैफे में, बस एम्बियंस बहुत ही अच्छा है, बहुत कूल है और यहाँ पर बहुत मज़ा आ रही है। और अभी मैं कुछ ऑर्डर करती हूँ, दिस इज़ द मेन्यू, अभी मैं कुछ ऑर्डर करती हूँ यहाँ पे, आपको बताऊँगी कैसा टेस्ट है। यह है यहाँ से व्यू विंडो का, और यहाँ पे पहले एक डॉग है, यहाँ क्या वो देखिए एक डॉग। Let's order something. रख देती हूँ यहाँ पे। गिर गया। मैं कुछ ऑर्डर करती हूँ फिर आपसे मिलती हूँ। यहाँ पे आ चुका है मेरा ये ऑरेंज जूस, और अभी मैंने पिज़्ज़ा ऑर्डर करा है, मैं आपको पहले दिखाती हूँ, अभी आ जाए फिर मैं दिखाती हूँ, तब तक मैं ऑरेंज जूस भी ट्राई करती हूँ। फ्रेश, एकदम फ्रेश ऑरेंज जूस लग कर लग रहा है भाई। पिज़्ज़ा जहाँ पे जिमीस क्या खाया था और यहाँ पे 5 out of 5 दोनों क्या बहुत टेस्टी पिज़्ज़ा है। तो जिमीस तो मैकलॉडगंज में और यहाँ पे ये धर्मकोट में, पिज़्ज़ा बहुत अच्छा है, बहुत बहुत टेस्टी, जैसे आपको दिख रहा है ना एकदम ऐसा ही है, खाने में तो बहुत टेस्टी है। गया फाइनली, थोड़ा बिस्किट का और डार्क चॉकलेट का, डार्क चॉकलेट का बहुत कम सा, ज़्यादातर बिस्किट का ही टेस्ट आ रहा है इसमें, खास नहीं लग रहा। पर आप जिसको बिस्किट पसंद हो वो ट्राई कर सकता है, बाकी चॉकलेट का बहुत कम सा टेस्ट है। चलिए मिलते हैं आपसे। अभी मैं एक स्टोर में आई हूँ, यहाँ पे बैग्स, नेकलेस और सब चीज़ें मिलती हैं और सब कुछ हैंडमेड है। तो ये एकदम जहाँ पे मैंने पिज़्ज़ा खाया है उसके बगल वाली शॉप है,
सो यू कैन सी दैट स्लीपर्स भी हैं, सब हैंडमेड है। डायरीज है ना, इन सब के जो पेपर्स हैं वो राइस से बने हुए हैं और सब हैंडमेड है। थोड़ी बहुत शॉपिंग करके धर्मकोट से और खा पी के अब मैं निकलती हूँ। बाकी मेरा कुछ इतना मन नहीं था आज खाने का, जैसे कि मैंने आपको बताया ही था। तो अब यहाँ से निकल रही हूँ और देखिए बारिश फिर से स्टार्ट हो गई है, तो लेट्स गो। और भाई यहाँ की जो मार्केट है ना वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, जैसे कि हर पहाड़ी एरियाज की होती है ना वैसे ही है, थोड़ी एक्सपेंसिव है। तो अगर आपको कुछ यूज़फुल लगता है तो आप ले सकते हैं, वरना भाई ऐसे भी ले सकते हैं कुछ भी। तो मुझे तो जो यूज़फुल लगा मैंने वही लिया है। चलते हैं, वेट मैं अपने बाल बांध लेती हूँ यार। हम चलते हैं यहाँ से, निकल चुके हैं धर्मकोट से और जा रहे हैं नीचे मैक्लोडगंज की तरफ, या कोई अगर बीच में कुछ अच्छा दिखता है तो वहाँ पे रुक जाएंगे। तो मैं आपको रोड दिखाती हूँ, वेट। मैंने रेनकोट पहन लिया है और मैक्लोडगंज की तरफ बहुत तेज बारिश हो रही है, तो अब मैं सेफ हूँ और हम लोग चल सकते हैं। अब मैं दिखाने जा रही हूँ आपको यहाँ से व्यू मैक्लोडगंज का, एंड टन टन ये है। तो अगर आप ऐसे ही घूमते रहोगे ना आपको टाइम का तो पता ही नहीं चलेगा बिल्कुल कि कब टाइम निकल गया। अब देखो सुबह से 12 बजे से शाम हो गई और पता ही नहीं चला, सिर्फ ऐसे घूमते रहे पहाड़ों पर। और यहाँ ऊपर था धर्मकोट जहाँ अभी हम लोग होके आए हैं। अभी मैंने शॉप से कुछ कुछ परचेज किया है और मुझे बहुत ही अच्छी रेंज में यहाँ पे आइटम्स मिल गए हैं। अंकल इज सच अ नाइस पर्सन। अभी मैं यहाँ पे बैग्स देख रही हूँ, मुझे अच्छे लग रहे हैं ये वाले बैग्स, तो मैं देखती हूँ अगर कुछ पसंद आता है तो मैं बैग लूँगी यहाँ से। ये वाला बैग बहुत अच्छा लग रहा है, इसमें और भी कलर्स हैं, अभी देखते हैं। ये सामने मॉल है, तो डोमिनोज है एक तरीके का, यहाँ पे और भी स्टोर्स हैं। अभी मैंने मैक्लोडगंज से फिर से थोड़ा सा सामान ले लिया है क्योंकि उसी साइड से हम लोग आ रहे थे। और अब मैं जा रही हूँ यहाँ पे एक पता नहीं कुछ है, यहाँ पे सब लोग जाते हैं, तो अभी मैं इसी साइड जा रही हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ किस साइड क्या है क्योंकि मुझे भी नहीं पता है, तो वेट मैं आपको दिखा रही हूँ। अब बारिश थोड़ी सी रुक गई है इसलिए मैं फटाफट से जा रही हूँ। और यार देखिए मौसम कुछ ऐसा है, सो मैं फटाफट से जाती हूँ क्योंकि भाई पूरे गीले हो गए। ये देखिए स्टोन का मजा आ रही है, वाह अच्छा लगता है वैसे भीगना, ज़्यादा टाइम तक नहीं। अब बारिश रुक चुकी है
और मैंने अपने कपड़े भी चेंज कर लिए हैं जल्दी से। और आपको पता है मैंने जो वहाँ से सामान लिया था, कुछ ब्रेसलेट और रिंग्स, वो जो हैं वो पता है कहीं गिर गए थे। और अब मैं यहाँ पे वापस आई हूँ देखने के लिए कि शायद मुझे मिल जाए। मैं देखती हूँ यहाँ पे है कि नहीं। गाइज यही वो जगह है जहाँ पे मुझे लगता है गिरा होगा। यार मिल जाएगा तो अच्छी बात है। अरे मिल गया गाइज, ये मेरी तीनों चीज़ें हैं। बंदर ने फाड़ दी बन्नी, ये देखिए ये मेरे तीनों सामान यहाँ पड़े हुए हैं। ये पन्नी फाड़ दी है इन लोगों ने। और मैं यहाँ से गई थी नीचे जब बारिश हो रही थी, पन्नी बेकार रह गई, फिर सामान मिल गया। पहले मुझे लगा था किसी ने चुरा लिया है, फिर बंदर थे ना वहाँ पे बहुत ज़्यादा, तो क्या कहते हैं मेरा खाना वाला, खाने वाला जो सामान था, पिज्ज़ा विज़ा पैक कराया था, वो ले गए, वो वाली पूरी पन्नी ले गए। और जो ये उसी में पन्नी मैंने ये वाली डाल दी थी, और ये वाला जो पैकेट था ये उन्होंने फाड़ के और ये सामान वहाँ फेंका हुआ है, क्योंकि उनको लगा होगा ये तो खाने का है नहीं। पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा खा गए और ये वहाँ फेंक दिया, तो फाइनली मिल गया और मैं जा रही हूँ। यार सही है, अब इसको धुल देंगे सबसे पहले। मैं आई हूँ मोमोज खाने। गुड़ी था पाओ आंटी के, बहुत स्पेशल मोमोज हैं। और यहाँ पे एक और प्लेट आ चुकी है, ये हैं फ्राइड मोमोज और ये है प्यू। तो मैंने फटाफट से स्टीम मोमोज तो खा के ख़त्म कर दिए हैं क्योंकि इतने टेस्टी थे। तो मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगी आप यहाँ पे ज़रूर आइएगा, क्योंकि ये बेस्ट प्लेस है टू हैव मोमोज और उसका टेस्ट बहुत ही डिलीशियस है अभी तक का। यहाँ पे आती हैं जिनके पास वेज मोमोज, पोटैटो मोमोज अवेलेबल है, ये इनका कॉन्टैक्ट नंबर। अभी मैंने रैमन खाई थी एंड इट वाज सो टेस्टी भाई, बहुत ही डिलीशियस थी। उनका बनाने का तो स्टाइल एकदम ही अलग है। अभी मैं आ गई हूँ डी टाउन कैफ़े में क्योंकि मुझे कुछ अच्छा सा मीठा सा खाने का मन हो रहा था, तो मैंने सोचा अब क्या ऑर्डर करूँ। तो अभी मैंने ऑर्डर करा है ब्लू बेरी चीज़ केक आ गया, तो अभी मैं इसे खाती हूँ और इसका टेस्ट भी अच्छा होगा। क्योंकि यहाँ पे क्या कहते हैं ये सब जो रैमन केक्स ये सब चीज़ें जो होती हैं ना, इन सब का टेस्ट बहुत अच्छा है। जो जितने भी नूडल्स होते हैं और सैंडविचेस हो गए, पिज़्ज़ा खासकर, इन सब का टेस्ट बहुत औसम है, तो यू कैन ट्राई। आप आइएगा तो खुद, जब आप खुद आते हो ना तो आपको एक्सप्लोर करने में हो सकता है आपको ज़्यादा चीज़ें अच्छी बेटर मिले जैसे मुझे मिली है। तो थोड़ा सा तो सर्च करना पड़ता है आप कहीं भी जाते हो तो। सो लेट्स ट्राई दिस चीज़ केक। तो अब मैं आ चुकी हूँ अपने होटल रूम थोड़ी सी और शॉपिंग करके और रैमन रैमन खा के। अब मुझे तो कोई भी पेट भर गया मेरा, कोई भूख भूख नहीं लग रही अब। तो अब जाएंगे और फटाफट से अच्छी से नींद लेंगे। आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। सो हिट दैट लाइक शेयर सब्सक्राइब बटन टू माई चैनल एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। सो बाय बाय गाइज, टेक केयर।